अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आल एंड बर्ड चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है जी लव बर्ड के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अगस्त की 5 तारीख को इनके बॉक्सेस वगैरह लगा दिए थे ताकि ये अपनी नेस्टिंग वगैरह मुकम्मल कर सके और बॉक्सेस सेलेक्ट कर सके। इनका ये सबसे मसला होता है कि ये बॉक्सेस सेलेक्ट करते करते बहुत ही देर लगा देते हैं, फिर उन्होंने नेस्टिंग भी करनी होती है तो ये एक दो महीना ऐसे ही लग जाते हैं। इसी वजह से मैंने अगस्त की 5 तारीख को इनके लगा दिए थे बॉक्सेस। वैसे तो गर्मी अभी काफ़ी शदीद पड़ रही है, दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात को फिर भी ठंडक हो जाती है। तो आज की वीडियो मैंने इस मकसद के लिए बनाई है कि आपको भी दिखा सकें कि इसमें नेस्टिंग वगैरह इन्होंने मुकम्मल की है या नहीं, क्योंकि मैंने इनके अंदर नेस्टिंग नहीं रखी थी, इनको अलग से नीचे प्रोवाइड कर दी थे ताकि जब तक ये मौसम आए और ये अपनी एक्टिविटी करते रहें और नेस्टिंग करते रहें। तो आज की वीडियो इसी मकसद के हवाले से है। दूसरा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये लव बर्ड रखना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि इनकी ब्रीडिंग बहुत ही देर से आती है। और बजरीज के बारे में जो आपको बताता हूँ, मेरे पास बजरीज भी हैं, वो बहुत ही जल्दी ब्रीड कर देते हैं और बंदा उनसे मतलब कुछ अर्निंग भी कमा सकता है। ये लव बर्ड से अर्निंग करने के लिए 2 से 3 साल चाहिए। और जो भी अपने नए लवर्स हैं, बर्ड लवर हैं, उनको चाहिए कि बजरी से स्टार्ट करें, उनसे सीखें और फिर लव बर्ड की तरफ आएँ। मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने सिर्फ पहले बजरी लिए थे और 2 पेयर लव बर्ड के लिए थे। 2 पेयर से माशाल्लाह 6 बच्चे निकले 2 साल में। 2 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद इनमें से 6 बच्चे निकले। फिर मैंने और परचेज़ कर लिए, 4 पेयर और परचेज़ कर लिए। तो पिछले सीज़न में मेरे पास 12 बच्चे आ गए थे। तो इस सीज़न में देखते हैं क्या क्या होता है जी। ये नेस्टिंग तो आपने देख ली, नेस्टिंग इन्होंने काफ़ी कर ली है, तो ये हर टाइम लगे रहते हैं नेस्टिंग करने के लिए। जब ये मौसम सेट होगा तो ये अपना मीटिंग स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद ये अंडे और बच्चे करेंगे। तो इसी चीज़ का इंतज़ार होता है, जो भी बर्ड लवर होता है तो इसी चीज़ का इंतज़ार होता है। पूरा 6-7-8 महीने ये इनको खिलाता है, पिलाता है, इनकी खिदमत करता है। तो ये इस सीज़न में इनके लिए खुशी का मकाम होता है जब ये अंडे और बच्चे देते हैं। हालांकि इनमें कोई हम लोग मुनाफा नहीं कमाते, कोई इतना बेचने के रीज़न में नहीं रखा हुआ, लेकिन फिर भी शौक़ है, बेच भी सकते हैं। कारोबार है, ये बहुत ज़बरदस्त कारोबार है जो करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। लेकिन मैंने ये अपने शौक़ के लिए रखे हुए हैं। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी मेरे पास लव बर्ड भी हैं और कॉकटेल भी हैं और बजरीज की काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। तो सिर्फ मैंने शौक़ के लिए रखे हैं, मैंने आज तक बेचे नहीं हैं। हमारे दोस्त हैं, वो हमसे कहते हैं कि यार हमें दे दो, हम ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन हम देते नहीं हैं। तो जो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।